शुक्रवार का दिन यूं कहा जाता है कि सबसे खास और विशेष दिन होता है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, और शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए भी शुक्रवार का दिन काफी विशेष है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो तो ऐसे में उस व्यक्ति की किस्मत बिल्कुल ही बेकार रहती है। उसका कोई भी नौकरी में, व्यापार में कोई उसे लाभ हो नहीं पाता है। खास करके अगर उसका कोई व्यापार होता है तो उस व्यापार में उसे हमेशा ही नुकसान, घाटा मिलता ही रहता है। कर्ज में वह डूबता ही चला जाता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बलवान हो, और आपने खुद भी ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में बहुत ही कम मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। लगातार उनके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, और ये केवल इसीलिए होता है और तभी संभव हो सकता है अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान हो। यूं भी कहा जाता है अगर शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति का कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है। कोई भी काम उसका होता नहीं है और उसके जीवन में सांसारिक और दुख हमेशा ही लगे रहते हैं। धन की समस्या और धन का अभाव उसे पूरा जीवन ही झेलना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि शुक्र ग्रह को बलवान किस प्रकार बनाएं, माता लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार पाएं। अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो अभी हमने आपको बताई हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा अंत तक देखें। इसमें हम बहुत सारी और भी खास चीजों को बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। यूं भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होती है, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, सुख समृद्धि उसके पास अपने आप ही दौड़ी चली आती है। वहीं दूसरी ओर अगर शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसे में माता लक्ष्मी की ही बहन आ लक्ष्मी उसके पीछे लग जाती है, और यही वजह होती है कि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है तो उस व्यक्ति को मानसिक तनाव और डर और भय और हमेशा दुख और परेशानी की फीलिंग बने रहना, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। ये जितने भी संकेत हम आपको बता रहे हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं जिससे आप जान सकें कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है, बलवान है, किस प्रकार का है, जिससे इस वीडियो में बताए हुए उपायों को ठीक से कर सकें, उन्हें सही से जान सकें, समझ सकें और उनका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर माता लक्ष्मी के मंदिर की 108 परिक्रमा करी जाती हैं और पूरे परिवार के साथ अगर करी जाती हैं, तो इससे आ लक्ष्मी दूर होकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण हो, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको ये भी बता दें, कई लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में परिक्रमा करते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें यूं लगता है कि ना जाने क्यों आखिर ये परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर के गोल गोल चक्कर क्यों काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि परिक्रमा करने के काफी ज्यादा रहस्य होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं तो आप जान जाएंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है या दुष्प्रभाव दे रहा होता है तो इसीलिए देता है क्योंकि उस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में या इसी जन्म में कुछ ऐसे कर्मों को कर दिया होता है जिसके कारण उसके ये ग्रह खराब हो जाते हैं और फिर उसके जीवन में दुख और परेशानी होने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर वही व्यक्ति परिक्रमा करता है, थोड़ा श्रम लगाता है, पैदल चलता है, नंगे पांव चलता है, तो इससे उसके पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। बल्कि इस बात का तो आप नियम बना लें कि हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर जाकर 108 परिक्रमा अवश्य ही किया करें। इससे आपके जो बुरे कर्म हैं, जो आपने जाने अनजाने में कर दिए हैं, कोई गलतियां कर दी हैं, क्योंकि जाने अनजाने में मनुष्य गलती करता ही है, बल्कि इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, और ऐसा इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में गलती ना करता हो, तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए उपाय भी होते हैं। क्योंकि अगर समस्याएं होती हैं तो हर एक समस्या का समाधान भी निश्चित ही होता है। इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ों को आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखा करिए, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। अब दोस्तों, शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए यह उपाय भी किया जा सकता है। खास करके अगर आपका कोई व्यापार है और कोई नौकरी है जहां पर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपकी सुविधा अनुसार या आपकी मनचाही नहीं मिल पा रही है, और आप ये सोचते हैं कि इससे अच्छी आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपका व्यापार है। जैसे कि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं और हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनका व्यापार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल पाता है। और ये जितनी भी समस्याएं हम आपको बताते हैं, इस वीडियो में बोलते हैं या और वीडियोस में बोलते हैं,
वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, अलग अलग ईमेल में, व्हाट्सएप में या किसी भी तरह से पूछते हैं, तो हम सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दिया करें, बिना आपका नाम बोले आपकी समस्याओं के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यापार और नौकरी में फ़ायदा अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि 21 पान के पत्ते लेकर आने हैं और 21 सुपारी आपको लेनी है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश, इन दोनों की मूर्ति सभी के घरों में उपलब्ध रहती है। बस घर के मंदिर में ही बैठकर यह खास उपाय को करना है। 21 सुपारी, 21 पान के पत्ते, सभी पान के पत्तों को बिल्कुल साफ सुथरे पानी से, गंगा जल से धोकर उन्हें साफ कर लेना है और हर एक पत्ते पर श्रीम आपको लिखना है। और यह आपको चंदन से, सिंदूर से, कोई भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो तो उन चीज़ों से आप लिख सकते हैं। उसके बाद श्रीम लिखने के पश्चात उन हर एक पत्ते पर आपको एक सुपारी रख देनी है और इनको अलग एक प्लेट में रख लेना है। अब जो मंत्र हम आपको बताएंगे उस मंत्र को बोलते हुए 21 बार ही मंत्र को बोलना है और हर एक मंत्र के समाप्ति पर इस पत्ते को, सुपारी को एक के ऊपर एक रखते हुए हर एक मंत्र जाप पे माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को समर्पित करना है। आप इस मंत्र को लिखकर रख लें, ये हमने वीडियो में भी आपको दिखाया है। ओम श्रीम गम सोम्याय गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमानाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक बार मंत्र आपको बोलना है। पान के पत्ते पर सुपारी रखनी है, उस पर श्रीम लिखा होना चाहिए और यही आपको माता लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को अर्पित करना है। 21 बार करने के पश्चात यह सारी चीज़ें घर के मंदिर में ही एक दिन के लिए आपको रखे रखनी है और अगले दिन या एक हफ्ते में कभी भी, जब भी आपको समय लगता है, एक हफ्ते का समय है, उसमें कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। इन सारी सामग्रियों को लेने के बाद किसी भी गणेश मंदिर में, किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर में इन सारी सामग्री को उनके चरणों में रखकर आ जाना है और प्रार्थना ये करनी है कि जो भी मैं कार्य करता हूँ, जो मेरे विरुद्ध हैं, जो लोग मेरे विरुद्ध हैं, जो मेरे प्रमोशन को रोकते हैं, जो मेरे व्यवसाय को रोकते हैं, जो मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, मेरा व्यवसाय अच्छा चले, नौकरी में मुझे लाभ हो, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, घर चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए, कर्ज की समस्याएं ना आए, सारी कर्ज की समस्याएं मिट जाएं। इस प्रकार से प्रार्थना आपको बोलते हुए ये सारी चीज़ें बोली हैं। ये जितनी चीज़ें हमने बोली हैं इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, खास करके शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो वह तुरंत दूर होती हैं, व्यवसाय तुरंत चलने लगता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है। खास करके ये जो मंत्र हमने आपको बताया है, इस मंत्र का लाभ ये भी होता है कि अगर आपके कोई विरुद्ध है, क्योंकि जैसे कि अगर आप कहीं पर कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं और वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, जैसे कि आपका बॉस या आपके कलीग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो इससे आपकी जगह जगह चुगली करते हैं, जिसके कारण भी आपका प्रमोशन हो नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि अगर आपको कोई व्यवसाय है, आपके आसपास के दुकान वाले लोग अगर आपसे ईर्ष्या करते हैं तो आपके कार्य को होने से रोकते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ने मात्र से और ये चीज़ ये प्रयोग करने मात्र से वो जो लोग आपके विरुद्ध हैं, आपके फेवर में होते हैं और आपसे दुश्मनी का, ईर्ष्या का स्वभाव बंद कर देते हैं। इसके कारण सुख की, सौभाग्य की, शांति की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है और हर प्रकार के विघ्न को हर देते हैं और माता लक्ष्मी तो धन की देवी हैं। तो इसके कारण सुख और समृद्धि और शुक्र ग्रह बलवान होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की भी मदद होती है और आपका शुक्र ग्रह अपने आप बलवान होता है, क्योंकि जो लोग भक्ति के, धर्म के कार्य करते हैं, अच्छी वीडियोस को शेयर करते हैं, उन्हें अपने आप ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य जब प्राप्त होते हैं तो शुक्र ग्रह अपने आप ही बलवान हो जाता है। तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। जो आपकी समस्या हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दें, आने वाले वीडियोज़ में उन समस्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।